आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट तैयार होने की खबरें आ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि समिति इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप सकती है। खबरों की माने तो समिति एक तिहाई रकम को सरकार को सौंपने की सिफारिश इस रिपोर्ट में कर सकती है। इस रकम को 3 से 5 साल में सरकार के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आरबीआई के कंटिंजेंसी फंड से 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने की सिफारिश भी इसमें करने की बात कही गई है। ये मामला काफी संवेदनशील रहा है। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के फंड से रकम हासिल करना चाहती है, लेकिन इसका विरोध भी कई जगहों पर हो रहा है। आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क यानी ECF समिति के सदस्यों के फॉर्मूले के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन यही वो रकम है जो आरबीआई के कुल फंड में से नकदी के तौर पर है। आरबीआई के पास जितने रिजर्व है, मेरा ये पर्सनल व्यू है, एक फॉर्मूला बनना चाहिए कि उस रिजर्व्स का कितना अमाउंट सरकार यूज़ कर सकती है। अगर ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, मेरा ये पर्सनल व्यू है, इससे आगे चल के इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक अलग अलग तरह के आरबीआई के रिजर्व फंड में कुल 9.59 लाख करोड़ रुपए हैं। इनमें से इमरजेंसी फंड 2.32 लाख करोड़ रुपए का है। परिसंपत्ति विकास निधि 22,811 करोड़ रुपए है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता 6.91 लाख करोड़ रुपए है। निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता रीसिक्योरिटीज 13,285 करोड़ रुपए का है। सरकार इनमें से एक तिहाई रकम हासिल करना चाहती है, हालांकि इसकी पुष्टि कभी सरकार ने नहीं की है। एक तिहाई रकम के हिसाब से सरकारी खाते में 3.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए। इसमें केंद्र सरकार 2.32 लाख करोड़ रुपए का पूरा इमरजेंसी फंड चाहती है, क्योंकि बाकी रकम अगर सरकार को मिलती भी है तो उसमें नकदी का हिस्सा नहीं है जो सरकार के काम नहीं आएगा। जालान समिति की मुद्रा में उतार चढ़ाव को लेकर पूरा इमरजेंसी फंड सरकार को ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं है। सरकार मानती है कि आरबीआई के पास विदेशों के 14% की औसत के मुकाबले 28% रिजर्व भंडार है, जो काफी ज्यादा है। हालांकि जानकार विदेशों के फॉर्मूले के हिसाब से साफ कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरह से रकम ट्रांसफर की जाती है। सरकार को, गवर्नमेंट को अगर ये अमाउंट में से एक हिस्सा मिल जाता है तो वो हिस्सा प्रोडक्टिव यूजेज में लाया जा सकता है। सरकार को कई तरह के डेवलपमेंट के काम, ग्रोथ के काम, वेलफेयर के काम करने, सरकार को अगर आरबीआई से रकम मिलती है, रिजर्व्स का हिस्सा मिलता है, तो जहां फिस्कल डेफिसिट की बात है वहां भी सरकार को हेल्प मिल सकती है। यानी विदेशों के सफल फॉर्मूले को आजमाकर इस समस्या का समाधान आसानी से खोजा जा सकता है। रिजर्व बैंक के फंड में से सरकार को रकम सौंपने के मसले पर रिजर्व बैंक की कमेटी में भी मतभेद था। कहा जा रहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा भी इसी विवाद के चलते हुआ था। इसके बाद भी 6 सदस्यीय जलान समिति का गठन पिछले साल 26 दिसंबर को किया गया था।